हेलो, वेलकम टू माय चैनल। यूनिक्स और लिनक्स के कुछ कमांड्स हैं जो हमारा एमसीए का फोर्थ सेमेस्टर का एमसीएल 45 का जो सेकंड सेक्शन है, जिसमें हम ओरेकल डेटाबेस जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि यूनिक्स की कमांड्स कौन सी। यूनिक्स और लिनक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए मैंने यूनिक्स स्लैश लिनक्स लिखा है। तो ये जो भी मैं कमांड्स आपको भी बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर से ये सेलेक्ट किए हैं। तो समटाइम्स होता है कि वो रिपीट हो जाती हैं, या फिर इससे सिमिलर कमांड्स आप याद कर सकते हैं, और अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने बनाया है जिससे कि ये आपको हेल्प दे सके और आप उस कमांड्स को लर्न कर सकें। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, किसी फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये 2017 या 18 का ही क्वेश्चन पेपर है जिससे मैंने लिया है, और इसमें यूनिक्स कमांड जो है कॉन्केटली और डिस्प्ले फाइल्स, कैट कमांड। तो आप चाहें तो नेट पे कैट कमांड डाल के इसी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको रन करने के लिए आएगा। तो मैं ये कमांड सिर्फ ऑलरेडी अभी बता रही हूँ, अभी मैं सॉफ्टवेयर पर चला के भी नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप इसको रीड कर सकते हैं इसकी कैट कमांड के क्या क्या फंक्शंस हैं। हाउ डू यू कंपेयर टू फाइल्स इन यूनिक्स, टू फाइल्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो आपको इसी में सारा कुछ मिल जाएगा अगर समझ में आता है आपको तो। और काउंट करना है अगर, तो ये कमांड्स यूज होंगी टू काउंट द फाइल्स, यूनिक्स कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ फाइल इन करंट डायरेक्टरी में कितने नंबर्स की कितनी फाइल्स हैं उनके नंबर्स इससे पता चल जाएंगे इन कमांड से। हाउ डू यू किल अ प्रोसेस यूजिंग पीआईडी, प्रोसेस यूज अ पीसी कमांड टू गेट द प्रोसेस आईडी पीआईडी ऑफ द प्रोसेस यू कैन टू टर्मिनेट, इश्यू अ किल कमांड फॉर दैट, इफ द प्रोसेस रिफ्यूजेस टू टर्मिनेट सेंड इंक्रीजिंग हार्श सिग्नल्स अंटिल इट टर्मिनेट, किल पी आई डी किल्स द प्रोसेस विद आई डी यू हैव, आप उसको रीड कर सकते हैं। टू रन अ प्रोग्राम प्रोसेस एट अ लेटर टाइम लेस प्रायोरिटी, तो ये आया हुआ है, तो इसमें कमांड्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होते, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी दे देते हैं। टू री रन अर्लियर कमांड फ्रॉम हिस्ट्री लिस्ट, जो आपने हिस्ट्री में यूज़ की हुई है पहले, वही कमांड दोबारा रीरन करनी है, तो कौन सी कमांड यूज होती है, तो ये देखिए फोर डिफरेंट मैथड्स हैं इसके, अप एरो टू व्यू द प्रीवियस कमांड एंड प्रेस एंटर टू एग्जीक्यूट इट, और टाइप और ये जो साइन है एंड प्रेस एंटर फ्रॉम द कमांड लाइन, तो ये फोर मैथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वी आई का क्या यूज होता है, द डिफॉल्ट एडिटर वी आई को, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वी आई को स्टार्ट कैसे करते, वी आई में जाना, वी आई से एग्जिट करने के लिए क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने डिटेल में किया हुआ है। तो वी आई जो एडिटर है, ये कमांड मोड में होता है और इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड में हम क्या होता है, हम यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं जो हमारी कमांड्स लिख सकते हैं, और कमांड मोड में जो आउटपुट आता है वो होता है हमारा, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। टू चेंज द एसएस परमिशन, एसएस परमिशन अगर हम फाइल की चेंज करनी हो सब डायरेक्टरी अंडर डायरेक्टरी के, तो वो हम इस कमांड से चेंज कर सकते हैं। टू प्रिंट द स्टेटस ऑफ ऑल प्रोसेसेस, ऑल प्रोसेसेस का अगर स्टेटस हमें प्रिंट करना है, लगता है मिस हो गया है, इसका मैं आपको बताती हूँ बाद में। विच कमांड इज यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी, एम के डी आई आर कमांड यूज होती है, चेंज हुआ है ये एम के डी आई आर कमांड। हाउ डू आई फ्री अप दिस स्पेस ऑन लिनक्स यूनिक्स, तो गेट टू द रूट ऑफ योर मशीन, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के स्टेप्स होंगे। टू प्रिंट द लास्ट 10 लाइन ऑफ अ फाइल, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कभी कभी लास्ट 10 लाइन आता है, समटाइम्स स्पेसिफिक लाइन आता है, तो मैंने इसमें सारा लिखा हुआ है, आप टेल कमांड भी यूज कर सकते हैं और हेड कमांड से भी लास्ट 10 लाइन को, और कोई स्पेसिफिक लाइन करनी है तो आप एसईडी कमांड यूज कर सकते हैं। और अगर लॉगिन एज अगर हमें सुपर यूजर के थ्रू एज ए लॉगिन करना है
तो हमें sudo कमांड या su भी बोलते हैं इसको, टू रीनेम अ फाइल इन अ करेंट डायरेक्टरी और उसको अनदर डायरेक्टरी में मूव करना है तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं ये कमांड. यूजर नेम जो करेंटली लॉग्ड इन है इन सिस्टम उसको प्रिंट करने के लिए हु कमांड यूज होती है. और रिमूव डायरेक्टरी ऑफ योर चॉइस ये कमांड यूज होगी. स्प्लिट अ फाइल डेट कमांड टू डिस्प्ले डेट और टाइम. फाइल को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट कमांड यूज होगी. शायद मिस हो गई ये स्लाइड. और डेट कमांड डेट और टाइम को प्रिंट करने के लिए होगी, डिस्प्ले करने के लिए. और ये प्रोसेस इसका एक बार मैं देखती हूँ. मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था. प्रोसेसेस को प्रिंट करने के लिए ये कमांड यूज होगी यहां पर जो है. और ये भी प्रोसेस से रिलेटेड है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप चाहें तो इन दो को दोबारा नेट पे देख सकते हैं. कुछ और कमांड्स हैं. रन लिनक्स प्रोसेस एट वेरी लो प्रायोरिटी तो आप इसको देख लीजिएगा नेट पे. टू कन्वर्ट अ फाइल टू ऑल लोअर केस इस टाइप की कमांड्स आप यूज कर सकते हैं. वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. और उसमें जो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगी इन दो कमांड्स का. और अभी ये कुछ ही पेपर्स हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं तो मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं या तो उस सर जो आपका ओरैकल जो है, सॉरी ओरैकल नहीं, इसमें लिनक्स यूनिक्स है जो यूनिक्स पे आपको शो करूँ. तो मैं अभी देखती हूँ टाइम मिलता है तो मैं दो और एक और दो एक दो वीडियो और डालती हूँ. कमेंट कीजिए. थैंक यू.